हजारों वर्षों से हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता आया है, तो वही मिट्टी के बर्तनों का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। आज भी हमारे खोजकर्ताओं या इतिहासकारों को खुदाई या खोज में मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते रहते हैं। और यही नहीं, कहीं कहीं तो दीवारों पर भी उनका उल्लेख मिलता रहता है। लेकिन अब कहीं इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में प्लास्टिक, स्टील व चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल हमारे बीच ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है कि अब हमारे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होना बंद हो गया है, जिससे इसे बनाने वाले कुम्हारों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। वो इसलिए कि उनके जीवन यापन का जरिया उनकी हस्तकला द्वारा बने ये मिट्टी के बर्तन ही हैं, जिसे बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारे देश में कोई भी त्यौहार बिना चाक पर तैयार किए गए बर्तनों के नहीं बनाया जाता। कुम्हारों के हाथ जब चाक पर थिरकने लगते हैं, तो मिट्टी कई आकर्षक आकारों में, जैसे दीपक, गणेश, लक्ष्मी प्रतिमा से लेकर करवे और कई बेहतरीन सम्मान स्वरूप में आ जाती हैं। वही कुम्हारों की हस्तकला से आकार ले रहे दीपक दीपावली पर कई घरों को रोशन करने के लिए अभी से तैयार होने लगे हैं। उधर 2 दिन बाद आने वाले करवा चौथ के लिए भी करवे और बड़ी साइज के दीपक तैयार हो गए हैं। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, तो शहर में महिलाओं के आकर्षक त्यौहार करवा चौथ की तैयारी को लेकर बाजार जोरों पर सजे हुए हैं, और महिलाएं करवा चौथ को लेकर खरीदारी करने में जुटी हुई हैं। चंडीगढ़ अर्थ प्रकाश टीवी से कैमरामैन अजय चौधरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।